शुरू से अंत तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे उतार दूँगा, इसको मैं यहाँ से उखाड़ा, यहाँ पे चिपका दिया, क्योंकि इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नाउ इसे मैं वहीं का वहीं उतार दूंगा, यानी कि एज इट इज सेम टू सेम उतार दूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज गुणनखंड। तो 640 को मैं लिख सकता हूँ, अगर दो से डिवाइड करूँगा तो दो तिया छः, दो दो ना चार, जीरो। फिर यहाँ पे आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, तो दो तिया छः ऐसे करके डिवाइड भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इसलिए मैं नहीं बताया कि ऐसे करके डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को आता ही होगा, अच्छा, जिसको अगर नहीं आता है तो उसके लिए सवाल सब नहीं है। सोचो जिसको जोड़ घटा गुणा भाग में नहीं आता है तो वही सवाल से दूर रहे। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया, ये चैनल से जुड़े रहे लेकिन सवाल से दूर रहे। और मैथमेटिक्स क्लासेस को थोड़ा देखिए, और साथ ही साथ किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, मैं 640 को लिख सकता हूँ, 640 को लिख सकता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी कि एक दो तीन चार, ऐसे करके एक दो तीन चार पाँच छः, एक और सात गुने पाँच, गुना में पावर जुड़ता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सब दो ये दो है, तो एक दो कितना दो है, सात को, तो दो का पावर सात गुने पाँच, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं लिखे, मैं शॉर्ट कट में लिख देता हूँ यहाँ पे, टू रेस टू द पावर सेवन इंटू फाइव, कोई दिक्कत, इसका मेरा काम खत्म हो गया, इसको रफ में करना है, हो गया मेरा काम खत्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये प्लस है, तो ये भी अगर प्लस रहता, ठीक है, तो मेरा एक काम बन जाता, ठीक है, एक काम क्या बन जाता, ये प्लस है और ये भी प्लस रहना चाहिए, तो वो है नहीं। तो पहला काम ये है कि आपको वो काम करना है, क्लियर। एंड द सेकेंड थिंग कि ये टू है तो ये भी टू है, ये टू है तो यहाँ पांच को भी टू के फॉर्म में तोड़ना है, तो मेरा कंपेयर हम कर देंगे, उससे मेरा एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैंने एक आइडिया दिया कि मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं ऐसे करके उतार दिया। तो अब देखिए, अब यही सवाल को थोड़ा खास बनाता है, इस सवाल को यही चीज खास बनाता है। पांच है तो पांच को मैं अगर लिखूंगा चार प्लस एक, तो कोई तो दिक्कत तो नहीं होगा, दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, कुछ भी करे फर्क ना पड़े। तो इंटू तो इंटू पांच को मैं लिख सकता हूँ चार प्लस एक, तो सर ऐसे तो आप तीन प्लस दो भी लिख सकते हैं, देखो तीन प्लस दो लिख सकते हैं लेकिन उससे मेरा काम नहीं बनेगा। अब देखो, आप कौन सा चीज खरीदते हो, जो आपके काम का वही नहीं खरीदते हो, कोई भी चीज नहीं खरीद लेते हो, बस ना, तो सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप को चेंज करते हो। देखो घर में आप कैसे रहते हो, घर में आप कैसे रहते हो, मम्मी पापा के जैसे, मम्मी पापा से जैसे आप बात करते हो घर में, वैसे आप तुम यहाँ से करते हो बात, नहीं कर सकते हो, एकदम फ्रेंडली बात करते, एकदम अच्छा से बात करते, एकदम सुंदर से पूरी पूरे का पूरी दिल की बात बताते हैं, पूरा फैमिली के साथ हर कुछ शेयर करते हैं। अब पता चला बस में जा रहे हो, बगल में मेरे सिस्टर का परसों शादी है, तो बोलेगा तो मैं क्या करूँ, तो मुझे बुलाएगा नहीं ना, तो वहाँ पे आप इतना कचर कचर भचर भचर नहीं करते, यानी कि इतना गॉसिप नहीं करते, इतना बात विचार नहीं करते, करते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए अजनबी है, अननोन पर्सन है, तो मैं उसको पूरा बात क्यों बताऊँ। लेकिन घर के पर्सन को, ठीक है, फ्रेंड्स को, घर के पर्सन को, टीचर सबको, ये सबसे एकदम अच्छे से बात विचार करते हैं। तो वही होता है मैथमेटिक्स समय भी, पढ़ाई लिखाई में वही होता है, देखिए कैसा सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को बदल के। तो सिचुएशन तीन प्लस दो थोड़ी है, तीन प्लस दो पता चला दे दिए, तीन प्लस दो दे दिए लेकिन तीन का कुछ काम ही नहीं बनेगा, तो इस हिसाब से, क्लियर। अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे इसको मैं उतार दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब चार को मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, चार दो दोना चार, चार को मैं ले सकता हूँ दो दोना चार, ऐसे अब गुणा में पावर जुड़ता है तो दो का स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर प्लस वन, यहाँ पे कोई दिक्कत, फिर अगर मैंने कोई गलती नहीं किया, टू टू रेस्टर पावर सेवन, तो सेवन इंटू तो इंटू चार एक पाँच, कोई दिक्कत नहीं है।
चार को मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर तो फोर प्लस तो प्लस वन, तो वन, कोई टेंशन अभी तक मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, आगे भी तो नहीं करूंगा। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे वाला लेन को तोड़ेंगे तो ऊपर का आएगा, ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो उसके ऊपर का आएगा, उसके ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो उसके ऊपर का आएगा, सबको तोड़ेंगे तो ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो यही है एक बार समझाने का मतलब है कि अगर पीछे से करके आगे जाएंगे आपका मेन फ्रंट वाला सवाल मिलना चाहिए। अगर आपको इसको तोड़ के ये नहीं आ रहा है, आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आपका सवाल गलत है, तो वहां पे आपको रुक जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिक्स सेवन से स्टार्ट है। क्या है सिक्स सेवन से स्टार्ट? मल्टीपल है अलजेब्रा का। और इस टाइप का अगर मान लीजिए सवाल है, इस टाइप का अगर सवाल है तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स को पाँच से करते हैं तो पाँच एक्स हो जाता है, प्लस और प्लस प्लस, एक्स को पाँच से करते हैं तो मतलब एक्स को वाई वाई है, सॉरी इसको इससे करेंगे वाई से, तो एक्स वाई होता है। तो इस टाइप का होता है कि नहीं होता है? चलिए तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस से छुपा हुआ प्लस इंटू प्लस है ना, प्लस और प्लस, तो प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं भी देंगे चलेगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों को गुना कीजिए, दो दो है तो एक दो देंगे, होता है ना फॉर्मूला, एक का पावर एम, एक का पावर एम, एक का पावर एम प्लस एम, या सुनो तो दो को दो है तो एक को दो, अगुना में पावर जुड़ता है सात और दो कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा, तो टेंशन। अच्छा यहाँ पे टू रेस टू रेस टू द पावर नाइन, अच्छा या टू ओवर नाइन भी बोल सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस, तो टू का पावर सात को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का पावर सात हो जाएगा। बस समझ, अब पता चला मैंने चार और एक क्यों लिया, ठीक है चार एक क्यों लिया, क्योंकि एक मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि एक को मैं दो से गुना करूंगा, यानी कि दो को एक से या एक एक को दो से गुना करूंगा, तो मैंने एडवांस में सोचा कि हमको दो आएगा, फिर चार को भी मैं दो के फॉर्म में तोड़ूंगा तो इसको फिर इससे गुना करूंगा तो दो ही का फॉर्म आएगा, इसलिए मैंने किया ऐसा। अगर मैंने ऐसा कर लेता, ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था सिचुएशन के अगेंस्ट, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ तो गया मेरा पांच तो आ गया। देखिए आप देखिए अब इसको कीजिए, उल्टे पुल्टे चीज सब आ जाएगा, वो भी नहीं करेगा एक साइड का तो चलो आ जाएगा, इसको इससे गुना करो देखो ये कैसा हो गया, बिल्कुल सात और एक आठ हो गया ना, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है मेरा नहीं कुछ बना बात, इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये सब क्या होता है ना, कुछ प्रैक्टिस का चीज होता है। अब देखिए सेम टू सेम कंपेयर कीजिए, लिख देंगे बोथ साइड कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयरिंग, या आप लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड हिंदी मीडियम में दोनों और तुलना करने पर, क्या लिख सकते हैं दोनों और तुलना करने पर, दोनों और तुलना करने पर। देखिए आराम से तुलना कीजिए, दो का पावर एक्स इधर भी दो का पावर नौ, दो का पावर वाई इधर भी दो का पावर सात, प्लस था प्लस सेम टू सेम डिटो मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो लिखेंगे ना ना या अब या इसलिए कुछ भी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे नौ, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा नौ, फिर प्लस तो प्लस, वाई का वैल्यू कितना है सात, तो सात, तो नौ सात सोलह, क्लियर क्लियर। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो इसके लेन में, वो भी ठीक है था, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया नौ, एक्स के नीचे में नौ दे देंगे और फिर प्लस से प्लस, वाई का वैल्यू कितना है सात है तो सात देंगे, नौ सात कितना हो जाएगा, नौ सात कितना हो जाएगा सोलह, नौ सात कितना हो जाएगा सोलह, यहाँ पे समझ गए ना आप लोग सोलह आंसर हो जाएगा। आंसर नजदीक में लिखना है तो मेरे पास स्पेस नहीं था, ऐसे लिखे हो गया, यानी कि मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या किया कंपेयर किया, आपको घसना नहीं है एक बार देख लीजिए इसको एकदम तो अच्छा से, ओके इसके जोर भी मार सकते हैं, मैं आपको फील देने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इसको कंपेयर किया, इसका रिलेशन इसके साथ बना दिया और इसका रिश्ता इसके साथ यानी कि रिलेशन ठीक कर दिया, ये हो गया, तो ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, आपको ऐसा करना है समझाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।